रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरी घटना में निकल कर सामने आई है वो मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों की बेहद खराब कार्यशैली है। दंगे के वक्त पुलिसकर्मी अपने बचाव में स्टूल और डलिया का सहारा लेते हुए नजर आए। जब हम स्मार्ट पुलिस की बात करते हैं तो जहन में जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो आधुनिक हथियारों से लैस पुलिस की होती है, लेकिन उन्नाव पुलिस ने अपनी कार्यशैली से आधुनिकता की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। पत्थर से बचाव के लिए पुलिस स्टूल और डलिया का सहारा लेती नजर आई। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो यूपी पुलिस की जमकर तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया है। खैर, प्रदेश के मुखिया यानी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी उन्नाव पुलिस की ये तरकीब देकर खासे नाराज नजर आए और उन्नाव के एसपी से स्पष्टीकरण की मांग की है। वहीं सीओ समेत 3 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ आईजी लक्ष्मी सिंह ने एडिशनल एसपी रायबरेली को पूरे मामले की जांच सौंपी है कि क्या वाकई पुलिस विभाग के पास दंगारोधी उपकरण के रूप में स्टूल और डलिया है या फिर ये किसी तरह की नई खोज है। बहरहाल दूसरे राज्यों की पुलिस भी ये तरीका देखकर चकरा गई है कि कैसे यूपी पुलिस के दिमाग में ये अनमोल विचार आ गए। खैर, इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की स्मार्ट पुलिसिंग पर सवाल दाग दिए हैं। तो इस बड़ी चर्चा का आगाज करेंगे और इस पे हम जानने की आज कोशिश करेंगे जिस स्मार्ट पुलिसिंग की हम बात करते हैं उसका ये अनोखा स्टाइल क्या बतला रहा है कि यूपी पुलिस किस ओर अग्रसर है और क्या उनके पास आधुनिक सामान नहीं है या स्मार्ट पुलिसिंग का सिर्फ हवाला उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कानून विश्लेषक हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं मैं जानती हूँ आप उस बात से अवगत है पूरी तरह से, तो आपको क्या लगता है स्मार्ट पुलिसिंग की एक ओर हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं और एक ओर इस तरह का नजारा देखने को मिलता है? कीर्ति जी, एक पार्ट होता है जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, दूसरा पार्ट होता है जो लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। तो जो लोग मौके पर गए थे वो एग्जीक्यूटर्स थे, वो एग्जीक्यूशन करने वाले लोग थे, वो प्लानिंग का पार्ट नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग इस तरह की लापरवाही से वहां पहुंचे हैं, पब्लिक को इस तरीके से फेस करने पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि या तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे या एग्जीक्यूशन करने में इन्होंने अपने एंड से लापरवाही की है, क्योंकि जितने भी पुलिस वाले वहां पे थे उसमें से शायद ही कोई नया भर्ती होगा, सब पुराने लोग हैं। इस तरह के दंगे देख चुके हैं, इस तरह की पहले भी फसाद हो चुकी है जहां पर उनको सेल्फ डिफेंस के लिए सारी चीजों को लेकर के जाना होता था। अगर या तो इस घटना को उन लोगों ने बहुत कैजुअली लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए, पुलिस किसी भी घटना को बहुत कैजुअली नहीं ले सकती है। जहां दंगा होने की उम्मीद है, जहां फोर्स लेकर के जा रहे हैं, वहां आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला कुछ भी हमला कर सकता है। तो जो आपके पास डिफेंसिव मेजर्स हैं अगर आप वो लेकर के नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की तो गलती है ही, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है। इसमें सरकार का बहुत रोल नहीं है। देखिए, सरकार हर चीज, सरकार इतनी छोटी छोटी चीजों को नहीं देखेगा। अगर सरकार को ही सारी चीजें देखनी होती तो फिर ये विभाग क्यों होते और विभाग के मुखिया क्यों होते? ये विभाग के मुखिया का काम है और विभाग के मुखिया का भी ये काम, मैं मेन रूप से नहीं कहूंगा, जो विभागीय हायरार्की होती है उसमें भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोग बैठाए गए हैं। ये जो उन्नाव जिले के एसपी हैं ये मेनली उनका काम था। अगर कोई गलती हो रही है तो ये उनकी तरफ से हो रही है, या तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पास नहीं किया या फिर उनको जाने से पहले पूरी तरीके से उनको तैयारी से अवगत नहीं कराया गया। लेकिन दोनों ही केसेस में अगर कोई घटना होती तो वो घटना सरकार के पार्ट पर आती, फिर लोग सरकार की बदनामी करना शुरू करते। तो ये चीजें इंडिविजुअल लेवल पर जो पुलिस वालों ने की हैं, अब ये लैग कहाँ पर, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बड़ा लैग है। ये जनता की नजर में भी बड़ा लैग है, एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में भी बड़ा लैग है और कानून की नजर में भी बड़ा लैग है। कहीं ना कहीं बड़ी गलतियां तो सामने आई, क्योंकि इस तरह की लापरवाही, अगर आप कहीं दंगा रोकने जा रहे हैं और आप दंगा रोधी उपकरण ही लेकर वहां नहीं जाते हैं और फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको स्टूल और डलिया के भरोसे वहां पर खुद का बचाव करना पड़ता है, तो ये शर्म की बात है कि आपकी कार्यशैली पर सवाल उठने तो लाजमी बन जाते हैं ना। फिर पर है कि क्या ही एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी कि उन्होंने क्लियर कर इंस्ट्रक्शंस नहीं पास किए या घटना के बारे में पुलिस, क्योंकि जो सिपाही लेवल के लोग होते हैं जनरली उनको पूरी बातें नहीं पता होती हैं कि क्या एक्चुअली होने जा रहा है, वो तो सिर्फ ऑर्डर
इनको लीड कर रहा था, इनकी टीम का जो भी लीडर था, चाहे एसओ लेवल का हो, चाहे सीओ लेवल का हो, या सीओ लेवल का हो या किसी बड़े अधिकारी रैंक का हो, ये इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से क्लियरली पास होने चाहिए थे कि हम जिस घटना स्थल पर जा रहे हैं उस घटना स्थल पर क्या स्थिति है, वहां कितना डेंजर है, क्या हमारे ऊपर हमला हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन का काम टीम लीडर का होता है और टीम लीडर नीचे के लोग से लैस होकर के वहां चलना है। यहां मैं निचले पुलिस स्तर वालों की गलती कम दूंगा, यहां पर जो लीडर था जिसने मेन प्लानिंग करी थी, जिसने घटना का जायजा लिया था या जिसके निर्देश पर ये वहां डिफेंस करने गए थे, उनको ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस पास करने चाहिए थे। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट पहले एक फील्ड इंक्वायरी करता है कि वहां खतरा कितना है, कितना ज्यादा हो सकता है, पुलिस पर हमला हो सकता है, कितना मॉब इकट्ठा हो सकता है, एलआईयू कराता है कि वहां पर जो घटना है, जो नेचर ऑफ क्राइम है, उस नेचर ऑफ क्राइम के हिसाब से कितनी बड़ी घटना हो सकती है, कितना मॉब इकट्ठा हो सकता है, हमें कितनी तैयारी के साथ जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी गलती जो प्लानिंग लेवल पर होता है, जो इंस्ट्रक्शन लेवल पर होता है, ये उसका काम होता है और ये उसको करना चाहिए। इस तरह की आप जिस बारे में आप बात कर रहे हैं कि प्लानिंग में कभी रहेगी, क्योंकि जब हम जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वहां पर एक दो या चार पुलिस वाले नहीं पहुंचे थे, वहां पर पुलिस की पूरी एक बड़ी टुकड़ी वहां पर पहुंची थी, तो उनको कहीं ना कहीं अंदाजा पहले से था कि इस तरह की घटना घट सकती है। वही इस खबर इस पूरे चर्चा में हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट से हमारी रिपोर्ट देने के लिए शिवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमारे संवाददाता है, क्योंकि वो लगातार इस खबर पर नजरें बनाए हुए थे और लगातार अपडेट दे रहे थे। शिवा, मैं आपसे भी ये चीज जानना चाहूंगी कि ये घटना जो घटी है उसमें ये पहले से कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था पुलिस वालों को भी कि इस तरह से पथराव हो सकता है, क्योंकि बड़ी टुकड़ी वहां पर पुलिस की पहुंची हुई है। देखिए, इस बात की आशंका लगाई जाती है जब किसी धरना प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए या किसी भी जो बड़ा जन सैलाब होता है उसके उसके जो आक्रोश को खत्म कराने के लिए जो पुलिस अफसर पहुंचते हैं उनको भारी पुलिस मात्रा के साथ वहां पर होना पड़ता है और साथ ही साथ उनके पास वो उपकरण होने चाहिए जो दंगा उपकरण नियंत्रण में जो आपको बहुत प्रभावी साथ देते हैं उस वक्त में जब स्थिति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और शायद वही उपकरण पुलिस के पास नहीं थे और एक भीड़ उस वक्त पुलिस पर हावी हुई जब वो वहां पर शांत कराने का माहौल कोशिश कर रहे थे। बड़ी बात कही जाएगी कि बहुत ज्यादा उपकरण पुलिस के पास नहीं थे, लिहाजा कई पुलिसकर्मी उसमें चोटिल भी हुए थे और सीधे सीधे कार्रवाई उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी को करनी पड़ गई और उनके आदेश पर आज चार लोगों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले की जांच बैठाई गई जिसमें एएसपी रायबरेली को रिपोर्ट कहा गया है कि रिपोर्ट देनी है और 48 घंटे वक्त है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का एक फेल्योर माना जाएगा कि अगर ऐसे समय पर अगर आप पहुंचते हैं और आपके ऊपर हमला हो जाता है और वो हमला बहुत ज्यादा भयंकर होता है, बहुत ज्यादा भयावह होता है जिसमें पुलिसकर्मियों की जान भी जा सकती है, तो ऐसे में अगर आप वेल इक्विपमेंट नहीं अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। लिहाजा ये पहली कोई तस्वीर उन्नाव की नहीं है, इससे पहले भी कई बार अलग अलग जिलों में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है जब पुलिसकर्मियों के ऊपर भीड़ हावी हो जाती है, तो ऐसे में आप किस तरीके की स्थिति से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जो आपके पास जो पूर्व में जो एग्जाम्पल होते हैं जिसमें पुलिसकर्मी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुलिसकर्मी छापा मारने जाते हैं और उनकी ग्रामीणों द्वारा उनकी घेरकर हत्या तक कर दी जाती है, और अगर इस एग्जाम्पल से आप सेटअप नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं कार्रवाई पुलिसकर्मियों के ऊपर भी जरूरी है। उन्नाव की घटना को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था और इस मामले को मुद्दा बनाना चाहा था, लेकिन ऊपर के आला कमान कहे पुलिस मुखिया ने डायरेक्ट सीधे कार्रवाई का एक हवाला दिया और लोगों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। उसके बाद पूरी जांच कमेटी इस पूरे मामले को सुलझाने में लग गई है और पुलिस कहीं ना कहीं अभी बैकफुट पर है कि अगर आप इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए ग्राउंड पर आते हैं तो आपके पास वो हथियार नहीं होते हैं जो अराजक तत्वों से निपटने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हों। आपने शिवा सही बताया, लेकिन दिलीप जी मैं कहीं ना कहीं ये समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जो ये सस्पेंशन किए गए हैं, क्योंकि ये सस्पेंशन जो है इसमें कोतवाली प्रभारी चौकी इंचार्ज समेत 2 सिपाहियों के हुए, काफी पुलिस फोर्स है और आप लगातार टीम लीडर की बात कर रहे हैं कि जो वहां पर इस वक्त उसको लीड कर रहा था उसकी लापरवाही है, तो क्या आपके नजर से ये सस्पेंशन ठीक है जो कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को सस्पेंड करना इस मामले में क्या सही आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरियां रही होंगी। कि सस्पेंशन किस ग्राउंड पे किया गया है ये उनका इंटरनल मैटर है, क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा मामला होता तो शायद कहीं ना कहीं खबर बाहर आ जाती। इंटरनल मैटर है कि उस ग्राउंड पे सस्पेंशन किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर सिपाही को सस्पेंशन किया है तो मैं ये प्रज्यूम कर सकता हूँ कि सिपाही इस प्लानिंग का पार्ट रहे। अगर सिपाही इस प्लानिंग का पार्ट नहीं थे तो उनका सस्पेंशन एकदम गलत है, क्योंकि सिपाही सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करता है, जो उनके मातहत उनको ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं कि यहाँ पर दबिश डालनी है गाड़ी में बैठ, यहाँ पर ये करना है साथ में चल दो,
तो सिपाही इस लेवल का नहीं होता है कि वो अपने मातहत से पूछे कि साहब क्यों जाना है, कैसे जाना है, किस तैयारी से जाना है, ये तैयारी कितना वहां पर सेंसिटिविटी है, ये सारा का सारा काम वो व्यक्ति जो ऑर्डर दे रहा होता है, वो अधिकारी जो ऑर्डर पास कर रहा होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि जिन लोगों को वो अपने साथ लेकर के जा रहा है उनकी जान माल की भी सुरक्षा रहे, इसके जो मातहत लोग होते हैं, जो उसके सिपाही होते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर कोतवाल को अगर सस्पेंड किया गया तो कोतवाल को तो मैं मान सकता हूँ कि कोतवाल का रोल कहीं ना कहीं इस एग्जीक्यूशन में रहा होगा, लेकिन सिपाही को क्यों किया गया ये मेरी समझ से बाहर। जी बिल्कुल दिलीप जी, लेकिन स्मार्ट पुलिसिंग की जब आप बात करते हैं और इस तरह की अव्यवस्थाएं देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी उजागर होता है कि क्या सरकार की तरफ से वो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जो पुलिस वाले चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वालों में भी ये नाराजगी रहती है कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है, हमारे पर बर्डन ज्यादा है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभार अपनी नौकरी को लेकर क्योंकि इतना समय छुट्टी नहीं मिल पाती उनको, तो कहीं ना कहीं इस चीज की भी लापरवाही उजागर होती है। अगर आप जरा भी संवेदनशीलता की नजर से देखेंगे तो पुलिस की जो नौकरी है वो वाकई में बड़ी कष्टप्रद नौकरी, कष्टप्रद होने के साथ साथ उनको कोई सुविधाएं नहीं है, उनकी अपनी जान माल पर अगर कोई बात आ जाती है उनके पास कोई हथियार नहीं। देखिए, जो भी क्राइम करने निकलता है, जो बड़ा क्रिमिनल होता है या जब कोई मॉब पुलिस वालों पर हमला करता है तो वो मार देने के इरादे से करता है। बड़ा क्रिमिनल होता है वो बड़े हथियारों से, जो आधुनिक हथियार होते हैं वो लेकर के आता है। सिपाहियों को क्या दिया जाता है? वही दुनाली बंदूक जो बोर के लाइसेंसेज होती हैं जो उन लोगों के पास होती हैं, इनके पास आधुनिक हथियार नहीं होते हैं, इनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। और इसके साथ साथ जो निचले स्तर के लोग होते हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है उच्च अधिकारियों द्वारा, ये भी जग जाहिर है, ये सबको पता है। सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ नहीं, देखिए खाली कागजों में लिख देने से स्मार्ट पुलिसिंग या मॉडर्न पुलिसिंग, आप इससे मॉडर्न नहीं हो जाते हैं। मॉडर्न होने के लिए आपको उतनी ही टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के जानकार भी बढ़ाने पड़ेंगे। आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर लगा दीजिए एप्पल का बहुत हाईटेक वाला, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए अगर आप टाइपराइटर चलाने वाले को बैठा देंगे तो एप्पल का कंप्यूटर वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो जिस हिसाब से आप मशीनरी एस्टेब्लिश करते हैं उसी हिसाब से उसका ऑपरेटर भी एजुकेटेड होना चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन सरकारी विभाग में कभी नहीं होता है, पुलिस ही नहीं किसी भी सरकारी विभाग में नहीं होता है। और सरकारी विभाग में हमेशा आंकड़ों पे काम होता है, स्लोगन्स लगा दिए जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप स्मार्ट पुलिसिंग करिए, चाहे पुलिस को धकियान उसी तरीके से चलने दीजिए। हो रहा है आपके स्लोगन से तो मेरे लिए कोई मायने नहीं इन चीजों का कि वो पुलिस स्मार्ट हो रही है, मॉडर्न हो रही है कि धकियान उसी तरीके से चल रही है। मुझे जो मैं जिस नजर से पुलिस को देखता हूँ कि पुलिस मेरी रक्षक है, पुलिस मुझे प्रोटेक्शन दे, मैं थाने जाऊं तो मेरी बात को सुन ले, मुझे कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे सुरक्षा प्रदान कर दे। अगर पुलिस मुझे ये दे रही है तो पुलिस को आप किसी नाम से बुला लीजिए, कोई स्लोगन दे दीजिए, मेरे लिए पुलिस अच्छी है। और अगर मुझे ये चीजें नहीं मिल रही है तो पुलिस को कोई नाम दे दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं दिलीप जी ये सवाल भी लगातार उठता है कि आखिर उनके द्वारा जो कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है उसकी संतुष्टि क्यों नहीं नजर आती है उन कर्तव्यों को लेकर। इस बात के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का पूरी संवेदनाएं रखता हूं और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब भी पुलिस की तरफ से कोई घटना होती है तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं करता हूं। वो एक आधा व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति हर जगह मिलते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो कोई भी, हर जगह पुलिस वाले हों, वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, कोई हों, उच्च अधिकारी हों, सब जगह कहीं ना कहीं करप्शन होता है, वो व्यक्ति के लेवल पर होता है। डिपार्टमेंट खराब नहीं है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में जो प्रक्रिया चलती है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की जो कार्यशैली है, जो सुविधाओं का अभाव है, जिस हिसाब से उनकी नौकरी है 24 घंटे की, उस हिसाब से उनको तनख्वाहें नहीं है, उस हिसाब से उनकी सुरक्षा नहीं है, उनके परिवार वालों को बहुत प्रोटेक्शन नहीं है, ये कमियां तो है। महिला पुलिस को देख लीजिए, अभी भी आज की डेट में भी बहुत सारे थाने ऐसे हैं जहां महिला पुलिस अधिकारियों के लिए, महिला पुलिस कर्मियों के लिए ठीक से टॉयलेट नहीं बने हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप नौकरी की उम्मीद उनसे पूरी करते हैं, 24 घंटे की नौकरी कराते हैं, कोई छुट्टी नहीं, दुनिया पूरा त्यौहार मना रही होती है, पुलिस वाले नौकरी कर रहे होते हैं, हम होली दिवाली मनाते हैं, पुलिस वाले सड़क पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं। तो ये जो कमियां हैं सरकार की तरफ से, मैं तो कहता हूं कि सेना को, पुलिस को, जितनी भी हमारी सुरक्षा की एजेंसियां जो फ्रंट लाइन पर आकर के जनता की सुरक्षा करती हैं, उनको आप अटमोस्ट सुविधाएं मुहैया कराइए और उनकी इनकम को टैक्स से फ्री कर दीजिए और तब उनको उनकी ड्यूटीज को निभाने के लिए पूरी तरीके से बाध्य कर दीजिए। मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो भी कर्तव्य किए जाते हैं पुलिस की तरफ से उससे कहीं ना कहीं असंतुष्टि लोगों के मन में उसके बावजूद भी बरकरार रहती है, और उसके बाद ये भी प्रश्न उठता है कि क्या जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो भी होता है, उनकी क्या जिम्मेदारी, दायित्व का खाली सिर्फ और सिर्फ पुलिस का ही होता है? देखिए,
देखिए, पुलिस का दायित्व तो बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के इशू को मेंटेन करना होता है, और आम आदमी से भी उपेक्षा उसी बात की जाती है कि अगर पुलिस किसी कानूनी कार्रवाई के तहत अगर उनसे जन सहयोग मांगती है तो आम आदमी का एक कर्तव्य भी होता है कि उनकी बात को मानना। हालांकि धरना प्रदर्शन और इस तरीके के मुआवजे की चीजें अगर मांग रहे हैं तो पुलिस के बस में नहीं होती है। पुलिस के बस में सिर्फ यही होता है कि जो भी रास्ता आपने रोक रखा है, जो भी आपकी मांगे हैं, वो जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके, शासन स्तर से कोऑर्डिनेट करके उनको पूरा कराया जाए। लिहाजा पुलिस कर्मियों के ऊपर ही जब जनता पत्थर चलाने लगेगी तो उनकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो कुछ पे कहीं ना कहीं बैकफुट पुलिस आ सकती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में बीते कई अगर 10 सालों की बात की जाए तो देखा गया है पुलिस भी कभी कदार बहुत ज्यादा नाराज होती है और ये कह देती है कि जब जनता ही उनका सहयोग नहीं कर रही है तो उनको बैकफुट पर आना पड़ेगा। और कई बार पिछले दौर में देखा गया है कि पुलिस कर्मियों ने भी प्रदर्शन किया है, क्योंकि उनको ना तो कभी टाइमली उनको छुट्टी दी जाती है, ना तो उनकी ड्यूटी में कोई जो 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है उससे ज्यादा उनसे ड्यूटी कराई जाती है। तो पुलिस कर्मियों में भी इस बात की नाराजगी है, और आम जनमानस से जब पुलिस कर्मी सहयोग मांगते हैं तो अपील है हमारी तरफ से भी कि आम जनमानस पुलिस कर्मियों की इस बात का बहुत ज्यादा समर्थन करे कि पुलिस उनके विरोध में नहीं है, पुलिस उनके पक्ष में ही है। लिहाजा अगर वो पुलिस पर हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई का जो दायरा है वो बढ़ा सकती है, और ऐसे में जो जद में आते हैं उनके लोग, वो आम लोग भी आ जाते हैं जो जन सैलाब बनकर पुलिस के ऊपर उमड़ते हैं। तो प्राइम टीवी की तरफ से भी एक आम जनता से अपील है कि पुलिस कोई एक पक्ष नहीं है, पुलिस एक ऐसा बेहतर संसाधन है जो आम जनमानस में बीच में आपके मदद की एक तौर पर सामने आता है। और ऐसी घटना निंदनीय है, और ये कहा जाएगा कि अब तक इस पूरे मामले में 43 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जिन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया था, और ऐसे कई लोग और चिन्हित होंगे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को घायल किया है, उन पुलिस कर्मियों को घेर कर रोड किनारे मारा है, उसमें कई पुरुष और कई महिलाएं भी शामिल है। तो पुलिस कोई पार्टी नहीं है, पुलिस एक आम जनमानस के लिए मदद की एक पार्टी है जो समय समय पर सामने आती है। शिवा, हम लगातार ये बात भी करते हैं और हम प्राइम टीवी के माध्यम से भी रखते भी रहते हैं कि पुलिस की क्या कर्तव्य है, उनकी क्या सजगता है, लेकिन उसी के जरिए हम ये भी दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं वो अपनी अधिकारों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जो नीचे स्तर का पुलिस है वो उन्हीं के अधिकारों के नीचे दब जाते हैं। कहीं ना कहीं दिलीप जी, आपने भी ये चीज महसूस की होगी कि जो छोटे रैंक के पुलिस होते हैं या छोटे रैंक पर होते हैं तो उनको बड़े अधिकारों को खुश करने के लिए अपने ज्यादा समय देना पड़ता है, उनके कार्यों को करना पड़ता है, इससे ज्यादा उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग ही चला जाता है, मानसिकता जो होती है उनकी अलग चली जाती है, जिस वजह से कभी कभार इस तरह के कृत्य सामने आते हैं जहां पर बर्बरता पुलिस की तरफ से की जाती है। जी, आप सही कह रहे हैं, कई बार बर्बरता जो है वो पुलिस का फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, और पुलिस आज की डेट में मेरे अनुसार जो मैं ऑब्जर्व कर पाता हूं कि पुलिस वास्तविकता में जनता की सुरक्षा तो कम कर रही है, वो माननीय लोगों की सुरक्षा में ज्यादा लगी हुई है। माननीय लोगों की सुरक्षा से बचती है तो वो अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी सेवा में लगी होती है, उनको खुश करने में लगी होती है कि कहीं हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा थाना मिल जाए, अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, वो ऊपर के लोगों को खुश करने में लगे होते हैं। तो पुलिस का जो पूरा तंत्र है वो तंत्र आज की डेट में जनता के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो है, लेकिन वास्तव में वो जनता के लिए कम है, माननीय लोगों के लिए ज्यादा है। वो माननीय लोगों में चाहे नेता लोग हों, चाहे जुडिशरी के लोग हों, चाहे वो पुलिस विभाग के ही लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी, मैं ये कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में प्रिंसिपल जो प्रमुख सचिव होते हैं उनको छोड़ने के लिए पूरी पूरी जीप जाती है, पूरी पूरी स्कॉट जाता है, क्या जरूरत है उनको जाने की। जब निकल रहे हैं नेताजी तो पूरा पूरा लाव लश्कर जा रहा है, आप नेताजी मंत्री जी कहीं आ रहे हैं तो सारी सुरक्षा हटा करके उस जगह पर लगा दी जाती है। तो पब्लिक तो सफर करती है ना, क्योंकि आप पुलिस वाले तो बढ़ा नहीं रहे हैं, पुलिस वालों की ड्यूटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, आदमी उतने ही हैं। एक थाने में अगर 5 पुलिसकर्मी हैं तो वो 5 पुलिसकर्मी पूरा एरिया भी देखेंगे, और उसमें अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो गया तो वो सारा फोकस वीआईपी मूवमेंट पे कर देंगे। तो क्या क्राइम ये देख करके, क्राइम तो कभी समय देख करके नहीं होता है ना, क्रिमिनल तो इस बात का इंतजार करता है कि अगर वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो उसको पता है कि पूरा का पूरा थाना वीआईपी मूवमेंट में लगा होगा, आराम से चोरी कर लो, आराम से मर्डर कर दो, आराम से गोली चला दो। तो क्रिमिनल भी इस बात को समझता है कि पुलिस का जो ध्यान है वो वास्तव में कहां पर है, जनता पर है या जनता के अलावा कहीं और है। इसकी क्षमता को बेहतर बनाने की ओर क्यों नहीं कार्य किया जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि पुलिस की क्षमता को भी तो बढ़ाना चाहिए। अगर हम स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं तो उनकी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। ज्यादा मैन पावर बढ़ाने की जरूरत, बिल्कुल, पुलिस की जो नंबर ऑफ पुलिस मैन है डिपार्टमेंट के अंदर वो बहुत कम है, मैंने कहा ना, और उसमें से भी बहुतायत लोग जनता की सेवा में नहीं लगे हैं, जनता की सुरक्षा में नहीं लगे हैं, वो माननीयों की सुरक्षा में लगे हैं।
जज साहब निकलेंगे तो उनको स्कॉट कोर्ट तक छोड़ने जाएगा, फिर उनको घर से लेने जाएगा, शाम को छोड़ने जाएगा, इस तरह की चीजें हैं। तो ऐसा लगता है कि सुरक्षा सिर्फ माननीय लोगों की जरूरत है, आम जनता की जरूरत नहीं है, जबकि पता है कि माननीय लोगों के साथ क्राइम इतनी जल्दी नहीं होता है। आदमी को पता है कि बड़े लोगों पर जल्दी हाथ नहीं डाल सकते, वो छोटे लोगों पर आदमी हाथ जल्दी डाल देता है। तो पुलिस विभाग में आदमी बढ़ाने की जरूरत है, उनको सुरक्षा देने की जरूरत है, उनको सुविधाएं देने की जरूरत है, और उनको कम से कम छुट्टी एक रोटेशन पर मिलने की जरूरत है। देखिए, वो भी इंसान है, और इंसान अगर आप मशीनरी को भी एक्सेसिव यूज करेंगे तो वो भी बोल जाएगी, वो भी वो रिजल्ट नहीं देगी जो आप उससे लेना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंसान के भी काम करने की कैपेसिटी होती है, एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर अगर आप उससे काम कराना चाहेंगे तो वो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देगा, और काम कराने के साथ साथ उसको जो अदर बाकी प्रताड़नाएं हैं वो अलग से मिलती हैं, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल और कहीं नहीं कर पाता है तो वो पब्लिक पे करने लगता है। पब्लिक से सीधे मुंह बात नहीं करेगा, पब्लिक को थप्पड़ मार देगा, कोई फंस गया तो कूट देगा उसको, तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन होता है छोटे अधिकारी का, जो वो पब्लिक के ऊपर निकालता है, क्योंकि पता है कि वो फ्रस्ट्रेशन कहीं और नहीं निकाल पाएगा। बिल्कुल दिलीप जी, आपने सही कहा, क्योंकि मानसिकता की हम बात करते हैं, अक्सर हमने ये जो पॉइंट है वो हमेशा उठाया है कि पुलिस को क्या मिल पा रहा है, उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे स्तर के पुलिस वाले हैं उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है। जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अक्सर अपने ही अधिकारियों से प्रताड़ित होकर भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनका भी बर्डन होता है, साथ ही साथ उनको ये दबाव बनाया जाता है कि आप जनता के प्रति सजग रहे, लेकिन इस तरह से बर्बरता सामने आती है। शिवा, मैं आप पर भी आना चाहूंगी, और मैं दोबारा से मैं इसी बात पर करना चाहूंगी कि पत्थर से बचाव के लिए पुलिस ने स्टूल और डलिया का सहारा लिया, तो क्या वो इस बात को लेकर पहले से जानते नहीं थे कि वहां पर हमला हो सकता है लोगों के द्वारा, पत्थर भी चल सकते हैं, इसको लेकर कोई क्या आशंका नहीं थी, या लोगों के पास वहां पर उस समय दंगा निरोधी जो उपकरण होते हैं वो नहीं थे, किस चीज की कमी थी कि इस तरह की तस्वीरें उजागर होकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल उन्नाव के अंदर या किसी भी जिले के अंदर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की एक टीम होती है। जब आप किसी धरना प्रदर्शन या जब किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने जाते हैं तो हर उस स्थिति से अवगत कराती है वो यूनिट। तो क्या एक सवाल भी है कि उन्नाव की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, क्या उन्होंने नहीं बताया था कि आप जब धरना प्रदर्शन खत्म कराने जाएंगे तो भीड़ इस तरीके से भी सामने आ सकती है, कि ऐसा भी मंजर आप देख सकते हैं? जरूर बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो लोकल इंटेलिजेंस की पूरी कहीं ना कहीं गलती है, और अगर बताया है तो कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो दंगा उपकरण जो इक्विपमेंट होते हैं उनको सीधे सीधे थाने के साथ साथ पुलिस लाइन से भी लेना होता है। बड़ा धरना प्रदर्शन था, जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा थी, ऐसे में जो लोकल पुलिस है उसकी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि अपने अधिकारियों को बताना कि भीड़ यहाँ पर ज्यादा है, अगर यहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग हुई तो स्थिति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। कहीं ना कहीं ये सवाल है और ये जांच के दायरे में आते हैं, क्या पुलिस कर्मियों को पता था कि वो एक धरने प्रदर्शन को अगर शांत कराने जा रहे हैं तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें पुलिस कर्मियों की इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ सकती है, और वो भी पिटते हुए आम जनमानस से। ये सब जांच का विषय है कीर्ति, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को भी इस बात का कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए कि आप किसी भी धरना प्रदर्शन को अगर खत्म कराने जाते हैं, किसी भी भीड़ को आप समझाने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तैयार होकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर परिस्थितियां विपरीत हुई तो नुकसान पुलिसकर्मियों को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अब जवाबदेही है उन लोगों के ऊपर जो उन्नाव के अंदर मौके पर ग्राउंड जीरो से कमाल संभाल लेते हैं उस धरने प्रदर्शन को खत्म कराने की। तमाम विषय हैं जिस पर कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को एक विचार करना होगा कि जिसकी जवाबदेही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वाहिब, जवाबदेही तो स्पष्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है शिवा, क्योंकि जब इस तरह के कृत्य होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि जो उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं, स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, महिला मित्र की बात करते हैं, कि किस तरह से हम पुलिस को और ज्यादा पावर दे रहे हैं, तो जब उनके पास इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो कैसे जनता भरोसा कर ले? और जनता ही जब, हालांकि मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि सारी गलती पुलिस की है, जनता भी जिस तरह से उग्र प्रदर्शन करती नजर आई वहां पर गलती भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर रोष होता है लोगों का, और वो इस तरह से वहां पर पहुंचे दंगा निरोधी जो पुलिस वाले होते हैं उनके ऊपर फूट पड़ता है दिलीप जी। लेकिन मैं यहाँ पर एक राजनीतिक मोड़ भी आ गया है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट कर सीधे कहा है कि अब टोकरी और स्टूल के भरोसे पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की आ गई है, तो आपको क्या लगता है ये ट्वीट किस हद तक सही है? ट्वीट का देखिए, इन राजनीतिक ट्वीट का मैं कोई मायने नहीं रखता हूँ। मैं अगर सामाजिकता की, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ वो समाज की नजरों से बात करता हूँ,
समाज के लिए इस तरह का कृत्य खराब है, सुरक्षा की दृष्टि से खराब है, लेकिन राजनीति में अगर ट्विस्ट इस तरह का कर रहे हैं तो क्या इस तरह की घटनाएं अखिलेश यादव के राज्य में नहीं हुई थी? जब उनका रेजिम था तब क्या कोई पुलिस वाला नहीं मारा गया था? किसी पुलिस वाले के ऊपर हमला नहीं हुआ था? किसी पुलिस वाले की हत्या नहीं हुई थी? हुई थी, उनके समय में भी हुई थी। ये देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमेशा दूसरी राजनीतिक पार्टी पर जो इल्जाम लगाती है उस बात को फॉलो कभी नहीं करती। आप कभी भी देख लीजिए, कोई भी पार्टी सिर्फ इल्जाम लगाने की जब पारी आएगी तब कहीं आपको जवाबदेही नहीं होती है। आप स्वतंत्र होते हैं कोई भी इल्जाम लगा देने के लिए, लेकिन जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तब आप कुर्सी पर बैठ करके अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं करते हैं। आप हमेशा सामने नजर रखते हैं, अपने ऊपर नजर कभी नहीं रखते हैं। तो इनकी ट्वीट का कोई बहुत ज्यादा मैं मायने नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ ये होना नहीं चाहिए था। मैं इस बात को जरूर कहूंगा, मैं इस कृत्य को सपोर्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल आपने ये सही कहा, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया है। तो आपको क्या लगता है, इसको और सही किस तरह से किया जाता है आगे, इस तरह के कृत्य? क्योंकि हम लगातार ऐसी चीजें देखते आ रहे हैं। आज भी एक खबर सामने आई थी जिसमें पुलिस ने एक चोरी करने वाले युवक के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह की लगातार खबरें सामने आती है कि पुलिस की बर्बरता या इस तरह के कृत्य हो जाते हैं, जो एक शर्मसार बात होती है। और कहीं ना कहीं भारत को हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इस तरह की तस्वीरें जब आगे निकलकर आती है तो बेहद शर्म की बात आ जाती है कि पुलिस के पास क्या आधुनिक उपकरण नहीं है या स्मार्ट पुलिसिंग किस कदर आगे बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है, कौन से वो चीजें हैं जिस पर हमें पुलिस को मजबूत करने के आगे सरकार को भी कहीं ना कहीं अग्रसर होना पड़ेगा? कीर्ति जी, जो भी लोग हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री, सामाजिक सिद्धांतों का ख्याल सबको रखना पड़ेगा। और उन सामाजिक सिद्धांतों की पूर्ति कैसे होगी, उस पूर्ति के लिए जो भी चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए जिस भी एजेंसी को, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो कोई और एजेंसी हो, आपको उन चीजों को अप्रोप्रिएट समय पर वहां मुहैया कराया जाना चाहिए। और उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और आप उनको क्या सुविधाएं दे रहे हैं। देखिए, बहुत जगह पुलिस वालों की गलती नहीं भी होती है। कहीं सड़क पे जानवर मर जाएगा तो आदमी पुलिस को फोन कर देगा, कहीं पेड़ कट रहा होगा तो आदमी पुलिस को फोन कर देगा, कहीं पर शराब का कोई लफड़ा हो रहा होगा तो पुलिस को फोन कर देगा, जबकि ये सारे काम पुलिस के नहीं है। जानवर मरा है, नगर निगम को फोन जाना चाहिए, पेड़ कट रहा है, वन विभाग को जाना चाहिए, दारू का कहीं को लफड़ा हो रहा है, एक्साइज विभाग को जाना चाहिए। लेकिन ये चीजें जनता को पता भी नहीं होती है, और पुलिस सर्वव्यापी है, हर जगह दिखती है, इससे आदमी पुलिस को अप्रोच कर लेता है। और पुलिस के साथ यही होता है कि जब वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और नहीं निकाल पाती है तो जो उसके चंगुल में फंस जाता है वो अपना मौका निकाल करके उसको पीट डालती है, अपनी बर्बरता वहां पर दिखा देती है। ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता जो है वो सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, जनता की तरफ से भी होनी चाहिए और पुलिस वालों की तरफ से भी होनी चाहिए। कई बार देखिए, मौका लगता है तो जनता पुलिस वाले को मारना शुरू कर देती है, पुलिस वालों को पीट डालती है, गाड़ी में आग लगा देती है, जबकि पुलिस वाले वहां पर सरकार का ऑर्डर फॉलो करने गए हैं। पुलिस वाले अपनी मर्जी से कभी नहीं जाते हैं लाठी चार्ज करने की, जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो अगर पब्लिक को किसी बात पे ग्रीवांस है तो पुलिस वालों को क्यों मार रही है? आप सरकार से बात करिए, सरकार को कोई लाठी नहीं मार पाता है, नेता को कोई लाठी नहीं मार पाता है, नेता को माला पहनाता है, पुलिस वालों को लाठी मारता है, पुलिस वालों को पीट देता है। कोई भी गलती हो जाए, आप देखिए, कोई विधायक कभी नहीं पिटता है, कोई मंत्री कभी नहीं पिटता है, जबकि जो भी एग्जीक्यूशन होता है ये ऊपर के लेवल से होता है। लेकिन उनको आप माला पहनाएंगे, उनको आप ले जाके मंच पे बैठा लेंगे और पुलिस वालों को मौका मिल जाएगा तो आप पीट डालेंगे। तो थोड़ा तो जनता की तरफ से भी संवेदनशीलता आप यही सुनिश्चित करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो आप प्रेशर बना रहे हैं इस वक्त पुलिस के ऊपर, क्योंकि मैन पावर कम है उसको लेकर हम समझते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रेशर इस वक्त पुलिस वालों के ऊपर है उसको भी कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि मेंटल प्रेशर जो है उनके ऊपर से वो कम हो, ताकि इस तरह के कृत्य ना हो। साथ ही साथ अधिकारियों को भी सुनिश्चित करना होगा कि जब वो इस तरह से आगे बढ़कर कोई दंगा निरोधी या फिर कहीं पर भी वो बड़ी इकट्ठा टीम के साथ जानते हैं तो इंटेलिजेंस क्या कर रही होती है उसे भी सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी और शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी चर्चा में आज हम बात कर रहे थे पुलिस की इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती है, पत्थर से बचाव के लिए पुलिस स्टूल और डलिया का सहारा ले लेती है। तो यहां पर ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के कृत्य क्यों हो जाते हैं और इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती है। जब आप एक दंगा निरोधी पूरी पूरी टीम जा रही होती तो आपके पास उपकरण वहां पर उपलब्ध क्यों नहीं होते, आपको स्टूल डलिया का सहारा
क्यों लेना पड़ता है और इसका जवाबदेही कौन है। हालांकि चार लोगों को अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर डीजीपी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे, लेकिन सवाल यही कि पुलिस की हम और ज्यादा क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, और हम खुद जनता होने के नाते पुलिस को उस नजर से ना देखते हुए अपना मित्र समझे और उनकी तरफ थोड़ी सी सहनशीलता के साथ कार्य करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।